हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी वाली। आज की इस वीडियो में देखेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 99 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। डिटेल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से लिंक करके आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के डिटेल वीडियो देख सकते हैं। एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट के सारे पीडीएफ अवेलेबल है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बायो से, देन आएंगे केमिस्ट्री पे, उसके बाद आएंगे फिजिक्स पे। तो अगर इस वीडियो क्वालिटी आपको लो लगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो एप्लीकेशन का लिंक पे डाउनलोड कर लें। उसके बाद अगर वीएलसी मीडिया प्लेयर से चलाएंगे तो आपको फुल स्क्रीन में एचडी क्वालिटी में चलेगा। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे है बायो का। इन मार्केशिया गैमेटोफाइट स्टार्ट्स फ्रॉम स्पोर एंड एंड्स इन, आंसर विल बी ए जाइगोट। मार्केशिया इज अ ब्रायोफाइट एंड दे आर नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। इट्स ए प्लांट बॉडी इज थैलोइड। द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज अ स्पोर दैट इज सराउंडेड बाई थिक स्कल्पचर्ड वॉल्स। दे जर्मिनेट इन टू द गैमेटोफाइट। इन गैमेटोफाइट मेल एंड फीमेल गैमिट्स विल बी फॉर्म्ड एंड दैट विल बी हैप्लॉइड इन नेचर। सो वेन द मेल गैमिट फ्यूज विद द फीमेल गैमिट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। राइबोजोम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर, आंसर विल बी डी सेडिमेंटेशन रेट। द राइबोजोम इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट इज फाउंड इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। दे सर्व एज द प्राइमरी साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इन प्रोकैरियोट इट इज फाउंड इन द फ्री फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म एंड इन अ यूकैरियोट इट इज फाउंड अटैच्ड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द राइबोजोम इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स दैट इज लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर सेडिमेंटेशन रेट। बेस्ड ऑन द सेडिमेंटेशन वैल्यू दे कैन बी क्लासिफाइड इन टू 70S एंड 80S राइबोजोम्स। 80S राइबोजोम्स इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड द 70S राइबोजोम इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे है डी प्रियोन्स पाजेज ओनली न्यूक्लियोइड एंड नो प्रोटीन्स। बाकी ए बी और सी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। मोस्ट प्लांट वायरसेज आर आरएनए वायरसेज, बैक्टेरियोफेज पाजेज डबल स्ट्रैंड डीएनए और इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इज अ रेट्रो वायरस। वायरसेज आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दैट कैन रिप्रोड्यूस इनसाइड अ लिविंग सेल दैट सर्व एज अ होस्ट। वायरस कंटेन प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल लाइक लिविंग थिंग्स। प्रोटीन कोट इज ऑल्सो नोन एज कैप्सिड। प्रियोन्स आर प्रोटीनेसियस एजेंट्स दैट कंटेन ओनली प्रोटीन एंड नो न्यूक्लिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ माइटोसिस, आंसर विल बी ए इट इंट्रोड्यूस वेरिएशंस। ये जो है माइटोसिस का ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी बी सी डी है जो वेरिएशन होते हैं मियोसिस में होते हैं। इट रिप्लेस ओल्ड और वर्न आउट सेल्स, इट हेल्प्स इन हीलिंग वुंड्स और इट मेंटेन्स जेनेटिक स्टेबिलिटी। ये सारे जो है माइटोसिस के कैरेक्टर्स हैं, फंक्शंस हैं। माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज इन दिस देयर इज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम्स इन डॉटर्स न्यूक्लियाई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमैटिक सेल डिवीजन। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिमेन्स अनचेंज्ड इन माइटोसिस। क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेशन प्रोसेस इज नॉट सीन इन माइटोसिस। सो वेरिएशन इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड थ्रू माइटोसिस एंड इट मेंटेन्स जेनेटिक स्टेबिलिटी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ रिपेयर और हीलिंग बाय रिप्लेसिंग ओल्ड और वर्न आउट सेल्स बाय न्यू सेल्स। थॉर्न इज अ स्टेम स्ट्रक्चर बिकॉज इट, आंसर विल बी बी डेवलप्स फ्रॉम एक्जिलरी बर्ड। थॉर्न इज द एक्जिलरी बर्ड्स ऑफ सम प्लांट्स। दे गेट अरेस्टेड इन ग्रोथ एंड गेट्स मॉडिफाइड इन टू अ स्टीप शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स। दे आर डीप सीटेड स्ट्रक्चर्स एंड हैव वैस्कुलर कनेक्शंस इन द स्टेम। दे रिड्यूस ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस बाय रिड्यूसिंग द सर्फेस एरिया एंड दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स ऑल्सो।
Lysigenous activity in monocot stems, vascular bundles developed by the dissolution of answer will be A. Protoxylem. There are four tissue systems present in monocot stems, that is dermal tissue system, hypodermal tissue system, ground tissue system and vascular bundle system. There are barrel shaped parenchymatous cells found in the epidermis. Trichomes are absent in the monocot stem, and below the epidermis there is a layer of the hypodermal cell present. The ground tissue is undifferentiated in monocot stem, which is made up of loosely arranged parenchyma cells. There is a vascular bundle which is found scattered in the ground tissue. Xylem is found on inner side, whereas phloem on the outer side, and cambium is absent in monocot stem. So the inner protoxylem is non-functional and remain water-filled. The water-filled cavity is called the lysigenous activity cavity or protoxylem cavity. Cell A with OP equal to 6 and wall pressure equal to 5 is surrounded by the cells with osmotic pressure equal to 3 and turgor pressure equal to 2. What will be the direction of water movement? Answer will be C. No movement. DPD is diffusion pressure deficit, and it is used to find out the direction of movement of water. The movement of water will take place from low DPD to high DPD, and it can be calculated given formula, that is DPD equal to osmotic pressure minus turgor pressure. Okay, so cell A mein OP equal to 6 hai, DP equal to WP equal to 5 hai, so DPD hai yahan pe ho jayega 6 minus 5 yani 1, और सेल बी में OP इक्वल टू 3 और TP इक्वल टू WP इक्वल टू 2 है, तो DPD इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी 1 हो जाएगा. द DPD ऑफ बोथ द सेल्स इज कमिंग इक्वल, सो देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर. ड्यूरिंग N2 फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स टू फॉर्म NH3 मॉलिक्यूल, हाउ मेनी ATP आर कंज्यूम्ड? आंसर विल बी D, 8. When nitrogen fixation in plants is done with the help of bacteria, then it is called biological nitrogen fixation. It can be represented by the following equation, in which one molecule of nitrogen produces two molecules of ammonia at the expense of 16 ATP. N2 plus 8H plus 8 electron plus 16 ATP gives 2 ammonia plus H2 plus 16 ADP plus 16 inorganic phosphate. So only 8 ATP molecules are consumed to form one molecule of ammonia. How many molecules of water are needed by a green plant to reduce 6 molecules of CO2? Answer will be B, 12. Photosynthesis is a process in which autotrophic organisms use light energy to make hexose sugar and oxygen from carbon dioxide and water. This process occurs in plants, algae and some prokaryotes. The reaction is 6 carbon dioxide plus 12 water gives glucose plus 6 molecules of oxygen plus 6 molecules of water. यहाँ पे fill in the blanks है, तो fill करके read कर लेंगे. The F1 and F0 headpiece is a. The F1 and F0 headpiece is a peripheral membrane protein complex and integral membrane protein complex. The F1 headpiece is a peripheral membrane protein complex and contain the site for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. F0 is an integral membrane protein complex that forms the channel through which protons cross the inner membrane. Recognize the figure and find out the correct labeling. Okay, तो यहाँ पे लेबलिंग में यहाँ पे B जो है वो होगा इलोंगेशन, C होगा डिफरेंशिएशन, A प्लाज्मेटिक ग्रोथ और E सेनेसेंस, और लास्ट D यहाँ पे मैचुरेशन होगा. आंसर विल बी D. द प्लांट बिगिंस इट्स लाइफ फ्रॉम द जाइगोट. प्लाज्मेटिक ग्रोथ इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग
बींग्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट एट द एपेक्स दैट हेल्प्स इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट व्हाइल द सेकेंडरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट आफ्टर द मेरिस्टेमेटिक फेज एंड इलोंगेशन फेज इज प्रेजेंट इन विच सेल्स गेट इनलार्ज एंड रिजल्ट इन न्यू सेल वॉल डिपोजिशन द मैचुरेशन फेज इज प्रेजेंट क्लोज टू द इलोंगेशन फेज वेयर सेल्स रीच अ मैक्सिमम साइज एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन अकर देन सेल्स डिफ्रेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन दिस प्रोसेस सेल्स लूज द एबिलिटी ऑफ डिविजन लेटर द सेनेसेंस डेथ ऑफ द सेल अकर्स ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक ड्रॉट और चेंजिंग ऑफ द सीजन अ होमोनीम इज आंसर विल बी सी आइडेंटिकल नेम ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज द आइडेंटिकल नेम ऑफ टू डिफरेंट टैक्सा इज कॉल्ड होमोनीम देयर इज अ रूल इन द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज दैट फर्स्ट नेम टू बी पब्लिश्ड इन द सीनियर होमोनीम दैट शुड बी यूज एंड द अदर नेम्स आर जूनियर होमोनीम्स दैट मस्ट बी रिप्लेस्ड विद न्यू नेम्स मैच कॉलम वन विथ कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवेन बिलो यहाँ पे इडिबल डेलिकेसियस यहाँ पे होगा फोर यानी मोरेल्स और ट्रफल जो होते हैं इडिबल और डेलिकेसियस होते हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का होगा सेकेंड यानी न्यूरोस्पोरा जो है वो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में यूज होते हैं सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक होंगे फर्स्ट यानी पेनिसिलियम और स्ट्रिप्टोमाइसिज और रस्ट एंड स्मट डिजीज कॉज करते हैं पक्सिनिया और इस्टुलागो द फ्यूकस इन फ्यूकस द मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर आंसर विल बी सी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल रेस्पेक्टिवली वन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन इज आंसर यहाँ पे होगा डी वन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स यूकैरियोटिक सेल्स आर कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ फाइबरस प्रोटीन्स दैट आर कॉल्ड साइक्लोस्केलेटन एंड इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म द साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स आर माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल इट इज अ डायनेमिक स्ट्रक्चर बिकॉज माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स कैन डीपोलीमेराइज एंड रीपोलीमेराइज इजली माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग आंसर विल बी बी मेटाफेज सेकेंड द टू सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम मियोसिस वन विल इंटर इन टू मियोसिस टू इन विच ईच ऑफ द सेल्स हैज टू क्रोमैटिड्स इन मेटाफेज सेकेंड द सेंट्रोमेयर ऑफ द इंडिविजुअल क्रोमोजोम इज अटैच टू द टू काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम आइदर साइड एंड क्रोमोजोम्स आर अरेंज्ड इन द सेंटर इन एनाफेज सेकेंड स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोजोम एंड इन प्रोफेज सेकेंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स डिसअपीयर अलोंग विद दैट क्रोमोजोम बिकम्स कॉम्पैक्ट फ्लोरल डायग्राम डज नॉट शो आंसर विल बी सी कलर एंड शेप ऑफ पेटल्स द फ्लोरल डायग्राम इज यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स विद इन अ फ्लावर बड बिफोर इट हैज ओपेंड इन दिस डायग्राम द सेपल्स आर सोन आउट साइड व्हाइल पेटल्स स्टामेंस एंड कार्पेल्स आर सोन लाइंग विद इन ईच अदर दे आर रिप्रेजेंटेड इन कंसेंट्रिक सर्कल्स द फ्लोरल डायग्राम ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट फ्लोरल पार्ट्स आर फ्यूज और फ्री बट इट डज नॉट शो द कलर कलर एंड शेप ऑफ द पेटल्स पार्ट विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच पेयर आंसर विल बी सी एम्फी अस्टोमैटिक स्टोमाटा नॉन फंक्शनल और ऑब्सेंट ये हमारा मिसमैच है बाकी ए बी और सी डी जो है करेक्टली मैच पेयर है सॉरी तो ए बी और डी जो है यहाँ पर करेक्टली मैच है हाइपो अस्टोमैटिक स्टोमाटा प्रेजेंट मोर और लोअर मोर ऑन लोअर इपिडर्मिस देन अपर इपिडर्मिस ईपी स्टोमैटिक स्टोमाटा प्रेजेंट मोर ऑन अपर इपिडर्मिस देन ऑन लोअर इपिडर्मिस और सनकेन स्टोमाटा स्टोमाटा डीप सिचुएटेड बिलो द सरफेस
स्टोमाटा आर पोर इन अ प्लांट्स लीफ थ्रू विच वाटर एंड गैसेज आर एक्सचेंज विद एटमोसफेयर. स्टोमाटा कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, दैट इज सेल पोर, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स. गार्ड सेल्स आर स्पेशलाइज सेल्स दैट सराउंड सेल पोर एंड हेल्प्स द स्टोमाटा इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग. देयर आर सम एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट अराउंड द गार्ड सेल्स दैट आर नोन एज सब्सिडरी सेल्स. ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ स्टोमाटा दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, दैट इज हाइपोस्टोमैटिक, इपीस्टोमैटिक, एम्फीस्टोमैटिक एंड सनकिन स्टोमाटा. इन एम्फीस्टोमैटिक द स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द लीफ. One of the earliest experiments on photosynthesis was done in 1770 by Joseph Priestley. He demonstrated that, answer will be C, plants and animals restore the air for each other. Joseph Priestley performed an experiment in photosynthesis in 1770 in which they used a green plant, that is mint, along with that he also used the candle and a mouse. He took a bell jar in which he placed a burning candle, where he found out that candle blew out. In the second performance, he took a bell jar and closed the jar, where he finds out that the mouse will die due to the absence of oxygen. In the last step, he places a mint plant with candle and a mouse. He finds out that all were alive. He came to the conclusion that plants release oxygen, and this oxygen will be caused by candle for burning, and mouse will use in respiration, and in return carbon dioxide will be released by mouse, and that will be used by plants for photosynthesis. Joseph Priestley told that plants and animals restore the air for each other. Match the column 1 with column 2 and select the correct option from the quotes given below. Okay, तो फर्स्ट यहाँ पे है, फैट्स मेड ऑफ थ्री फैटी एसिड चेन्स अटैच टू द ग्लिसरॉल, इसका होगा थर्ड, यानी ट्राइग्लिसराइड्स. बी, ग्लाइकोलिसिस मेटाबोलाइट मेड फ्रॉम ग्लिसरॉल, का होगा सेकेंड, यानी ग्लिसरल डिहाइड. सी यहाँ पे है, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होगा फर्स्ट, यानी ग्लाइकोजेन. और रिजल्ट ऑफ रनिंग रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन रिवर्स का होगा फोर, यानी ग्लूकोज. Triglycerides are a ester of glycerol with three fatty acids, and that are also known as triglycerol. During glycolysis, glycerol 3-phosphate is generated from glucose, which later on gets reduced to glyceraldehyde. When the body does not use glucose, so many glucose units join together and are stored in our body in the form of glycogen. Glycolysis starts from the breakdown of glucose, results into three carbon compounds, that is phosphoglyceraldehyde. But in reverse glycolysis is gluconeogenesis, in which glucose is formed. If a growing plant is decapitated, axillary buds are activated. The hormones which are produced in the plant are called phytohormones. Auxin is a phytohormone. An apical bud is present at the top of the plant, and an axillary bud or lateral bud is present on the lateral side. The phytohormone which is synthesized in the apical bud is auxin, that helps in maintaining the apical dominance, in which the growth of the lateral bud stop. But if the apical bud is decapitated, means removed, then the concentration of the auxin gets low, and this causes the activation of the axillary bud, which helps in increasing the plant width. The given statement describes a group of organisms. First yahan pe kar raha hai, instead of a cell wall, they have a protein rich pellicle making their body flexible. Second, they have two flagella, a short and a long one. Third, they शो मिक्जोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और फोर यहाँ पे है, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज रिफर्ड हियर, आंसर विल बी डी, इग्लोनाइड्स. एन एनिमल सेल वॉज ग्रोन इन अ कल्चर मीडियम कंटेनिंग P32 न्यूक्लियोटाइड्स. द
पार्ट्स फ्रॉम विच डीएनए इज बिल्ट, लेटर एग्जामिनेशन ऑफ द सेल शोड द रेडियो एक्टिविटी टू बी कंसेंट्रेटेड इन द, आंसर विल बी बी न्यूक्लियस। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड दैट इज फाउंड इन क्रोमोजोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए इज कंपोज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सो रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स आर यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। बट इन प्लांट सेल्स द डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, सो वेन प्लांट सेल्स आर एग्जामिंड दीज रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड इन साइड द न्यूक्लियस। एपिकैलिक्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, आंसर विल बी ए हिबिस्कस, जिसे चाइना रोज भी बोलते हैं। द फ्लावर इन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दैट इज फाउंड इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, द फ्लावर इज मेड अप ऑफ फोर पार्ट्स दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनेशियम। द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, वेयर एज गाइनेशियम इज द इनर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। ईच यूनिट ऑफ द कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल्स, इट मे बी फ्री और फ्यूज्ड। एपिकैलिक्स इज फाउंड इन हिबिस्कस इन विच एन एडिशनल वर्ल्ड इज फाउंड ऑन द आउटर साइड ऑफ द कैलिक्स और इट इज ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स रिजेम्बलिंग अ कैलिक्स। यहाँ भी फिर ब्लैंक्स तो फिर रीड कर लेंगे। रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू एबंडेंस ऑफ, आंसर विल बी ए डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स आर यूनिसेलुलर प्लैंकटन एंड दे बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। 90% ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स लाइव इन द ओशियन एंड दे आर ऑटोट्रोप्स, विच मीन्स दे कैन प्रिपेयर दियर ऑन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। डायनोफ्लैजिलेट्स हैव टू फ्लैजिला एंड व्हेन डिस्टर्ब दे ग्लो, काउजिंग द ओशियन टू लाइट अप। इन डायनोफ्लैजिलेट्स रेड टाइड आर काउज्ड बाय गोनाइलैक्स, जिम्नोडिनियम, एलेक्सेंड्रियम ईडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली इमेज्ड, आंसर विल बी ए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस, जो है वो ट्यूमर कॉज करता है प्लांट्स में। द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज अ प्लांट पैथोजन विच कैरीज द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। द PBI-332 इज एन आर्टिफिशियल प्लाज्मिड एंड अ क्लोनिंग वेक्टर ऑफ द बैक्टेरियम ई कोलाई। द बैक्टेरियम थर्मस एक्वेटिकस इज अ काइंड ऑफ बैक्टेरिया दैट कैन टॉलरेट एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर एंड देयर फॉर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ थर्मोफिलिक बैक्टेरिया। लाइगेज इज अ डीएनए बाइंडिंग दैट कनेक्ट्स द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बाय फॉर्मिंग अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच आर, फर्स्ट यहाँ पे है द इंटायर फोर गट ऑफ कॉकरोच इज लाइन बाई क्यूटिकल, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड यहाँ पे कह रहा है द मिड गट इज ब्रॉडर देन हिंड गट ऑफ द कॉकरोच, तो ये हमारा गलत है। थर्ड यहाँ पे कह रहा है द प्रोवेंट्रिकुलस ऑफ द कॉकरोच हैज टीथ फॉर ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल्स, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। फोर यहाँ पे कह रहा है द डाइजेस्टिव जूस इज सिक्रेटेड बाई 100 to 150 हेपेटिक सिक्का प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट, तो ये हमारा जो है बिल्कुल गलत है। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन, द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स, नेमली द फोर गट, मिड गट एंड द हिंड गट। द फोर गट हैज अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल लाइंग इनसाइड द आउटर लेयर ऑफ सर्कुलर मसल्स। द मिड गट इज नॉट एज ब्रॉड एज कंपेयर टू द हिंड गट एंड द प्रोवेंट्रिकुलस। द एक्सपेंशन ऑफ द ओसोफेगस एवर द स्टोमक हैज काइटनस प्लेट्स टीथ फॉर ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। द हिंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू इलियम, कोलोन, रेक्टम। द जंक्शन ऑफ द फोर गट एंड द मिड गट शोज द प्रेजेंस ऑफ मालपिगियन ट्यूब्यूल्स विच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, तो ये क्वेश्चन जो है पहले भी रिपीट कर चुका है, आंसर हमारा बी होगा। ए यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ है, बी स्पर्मेटिड, सी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, डी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और ई यहाँ पे सर्टोली सेल्स है एंड लास्ट एफ स्पर्मेटोगोनिया। आंसर बी। द पर्सन सोन इन द पिक्चर इज अफेक्टेड बाई अ सर्टेन डिजीज
आइडेंटिफाई द करेक्ट डिजीज। तो ए और बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे फिलेरियसिस है और बी यहाँ पे रिंग वर्म डिजीज है। आंसर यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द एबो। ए यहाँ पे बता रहा है ए कॉज्ड बाय वाचेरिया वेनक्राफ्टी एंड मलेई, बी यहाँ पे कॉज्ड बाय इफी डर्मोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम, ए यहाँ पे एलिफेंटेसिस और बी यहाँ पे रिंग वर्म है। ए कॉज्ड बाय निमेटोड और बी कॉज्ड बाय फंजाई। लिम्फैटिक फाइलेरियासिस विच इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज एलिफेंटेसिस इज अ रेयर कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू मॉस्किटोज। इट काउजेज स्वेलिंग एंड इलार्जमेंट ऑफ लेग्स, सेक्स ऑर्गेन्स, आर्म्स एंड ब्रेस्ट। दिस डिजीज इज काउज्ड बाई थ्री टाइप्स ऑफ राउंड वॉर्म्स क्लासिफाइड एज निमेटोड्स, वाउचेरिया वेनक्राफ्टी, काउजेज 90% ऑफ केसेज। ब्रुजिया मेलाई एंड ब्रुजिया टीमोरी काउज रिएंडर कॉजेज रिमाइंडर केसेज। एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन हाइड्रा इज कंपनसेटेड बाई, आंसर विल बी बी गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। हाइड्रा इज अ रिलेटिव ऑफ कोरल्स एंड जेली फिश। ऑल दीज स्पीसीज आर मेंबर्स ऑफ द फाइलम नाइडेरिया कैरेक्टराइज बाई सिमेट्रिकल बॉडीज क्राउंड बाई 10 to 12 टेंटिकल्स एंड एन ओपनिंग कॉल्ड अ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स डोंट हैव अ स्पेशलाइज सर्कुलेटरी सिस्टम, दे हैव अ थिन लेयर ऑफ सेल्स विच व्हेन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाई द बॉडी। अ मैन इज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, ही इज सफरिंग फ्रॉम एबनॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड एक्सट्रीम थर्स्ट। हिज ब्रेन स्कैन वुड प्रोबेबली शो अ ट्यूमर इन द, आंसर विल बी डी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ कंट्रोल सेंटर फॉर हंगर, थर्स्ट, स्वेटिंग, स्लीप, फैटिग, टेम्परेचर, एंगर, प्लीजर, लव, हेट एंड सेटिस्फैक्शन। दस इफ अ मैन इज सफरिंग फ्रॉम द गिवन एबनॉर्मेलिटीज, ही हैज अ ट्यूमर इन हिज हाइपोथैलेमस। सोमैटोस्टैटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द, आंसर विल बी डी बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफलॉन। सोमैटोस्टैटिन इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड प्राइमरली इन द नर्वस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम बाई डिफरेंट टिश्यू इन द बॉडी। इट प्ले अ वाइटल रोल इन द रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ अदर हार्मोन्स। इट इज सीक्रेटेड बाई द पैनक्रियाज टू स्टॉप द रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। फर्दर इट इज जनरेटेड इन द हाइपोथैलेमस वेयर इट प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटेरियर पिट्यूटरी। अ सिंगल यू शेप्ड बोन एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी इज कॉल्ड, आंसर विल बी ए हाइवाइड बोन। रिपीटेड क्वेश्चन। द हाइवाइड इज अ यू शेप्ड बोन विच इज सिचुएटेड एट द रूट ऑफ द टंग एंड बिटवीन लोअर जॉइंट वॉइस बॉक्स। इन द एक्ट ऑफ स्वेलिंग द हाइवाइड बोन लैरिंग्स एंड टंग ऑल मूव्स अपवर्ड्स। इट प्राइमरली सर्व एज अ स्ट्रक्चर फॉर कनेक्टिंग द टंग एंड मसल्स ऑफ द ओरल कैविटी। इट्स फंक्शन इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ ओसोफेगस एंड इनेबलिंग मूवमेंट इन्वॉल्व इन स्पीकिंग एंड स्वेलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एडवांटेज ऑफ एमिनियोसेंटेसिस, आंसर विल बी डी डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स टू अबॉर्ट द फीमेल फिटस। ये हमारा कैन नॉट बी कंसिडर्ड एडवांटेज ऑफ एमिनियोसेंटेसिस है, बाकी ए बी सी जो है वो एडवांटेज है, यानी पेरेंटल प्री नेटल डायग्नोसिस, डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स और डिटेक्शन ऑफ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स। एमिनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसीजर दैट इज कंडक्टेड टू रिमूव द एमनियोटिक फ्लूड फ्रॉम द यूट्रस। दिस फ्लूड सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एमनियोटिक फ्लूड इज कंपोज ऑफ लाइव फेटल सेल्स एंड सब्सटेंसेज लाइक अल्फा फिटोप्रोटीन विच प्रोवाइड क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बॉडीज जेनेटिक हेल्थ। द टेस्ट इज कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स एंड एनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन अ बेबीज जेंडर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आंसर विल बी ए फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाई नेचर। फिटनेस इज बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड एंड द एबिलिटी टू अडेप्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ अडेप्टेशन बिकॉज अ फिट इंडिविजुअल
survives and unfit individuals are eliminated from the population. So fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by nature. In the case of Bacillus thuringiensis, Bacillus itself is not killed by toxic protein crystals produced by it, because answer will be C. Bt toxin exists as an inactive toxin. Repeated question abhi hai. The Bt toxin is produced by the soil bacterium Bacillus thuringiensis. This bacteria is unaffected by the toxin it produces because it is inactive and in crystalline form when inside the bacterium. This toxin needs to get activated to show its effect, and therefore it kills only the insects which have ingested it, as they get activated in the gut of the insect. Which of the following parts of the alimentary canal helps in providing immunity? Answer will be C. Peyer's passage. The alimentary canal is composed of four tissue layers, one of which is mucosa, which is referred to as mucous membrane. This membrane consists of connective tissue which contains lymphatic vessels. Peyer's passage are masses of lymphoid follicles that line the small intestine. They play an important role in the recognition and destruction of potential pathogens. Brunner's gland protects the intestinal wall from gastric gland. Urbex's plexus helps in peristaltic movement of the bowels, whereas the Meissner's plexus controls the glandular secretions. Which of the following statement about the excretory system is correct? Answer will be C. The counter current and proximity between the Henle's loop and vasa recta maintain an increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium. Okay. Mammals have the ability to produce a concentrated urine. The Henle's loop and vasa recta play a significant role in this. The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite direction and thus forms a counter current. The flow of blood through the two limbs of the vasa recta is also in a counter current pattern. The proximity between the Henle's loop and vasa recta, as well as the counter current in them, help in maintaining an increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium, that is from 300 in the cortex to about 1200 milliosmo per liter in the inner medulla. This gradient is mainly caused by NaCl and urea. NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop, which is exchanged with the descending limb of vasa recta. NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta. Similarly, small amounts of urea enter the thin segment of the ascending limb of Henle's loop, which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. The above described transport of substance facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta is called the countercurrent mechanism. Which of the following represents uridylic acid? Answer will be D. Uridine plus ribose plus phosphoric acid. Living organisms have a number of carbon compounds in which heterocyclic rings can be found. Some of these are nitrogen bases, adenine, guanine, cytosine, uracil, and thymine. When found attached to sugar, they are called nucleosides. If a phosphate group is also found esterified to the sugar, they are called nucleotides. Adenosine, guanosine, thymidine, uridine, and cytidine are nucleosides. Adenylic acid, thymidylic acid, guanylic acid, uridylic acid, and cytidylic acid are nucleotides. Nucleic acids like DNA and RNA consist of nucleotides only. DNA and RNA function as genetic material. Uridine is especially found in RNA. Uridylic acid is nucleoside of uridine formed in the hydrolysis of DRNA. CO2 dissociates from carbaminohemoglobin in the alveoli vein. Answer will be B. PO2 is high and PCO2 is low. When the exchange of oxygen takes place between the blood and the alveolar air, the partial pressure of the oxygen increases, and that time the carbaminohemoglobin dissociates to form
कार्बन डाइऑक्साइड एंड HbNH2। दिस रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो नोन एज द हेल्डन इफेक्ट। कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन ड्यूरिंग क्लोटिंग रिक्वायर्स आंसर विल बी सी थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोप्लास्टिन इज एन एंजाइम विच इज अ मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड द टिश्यू फैक्टर फाउंड इन द प्लाज्मा। इट इज रिलीज फ्रॉम द ब्लड प्लेटलेट्स एंड हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। वेन द प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग बिगिंस फाइब्रिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम फाइब्रिनोजेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। हिपेरिन इज एंटागोनिस्टिक टू फाइब्रिन एंड थ्रोम्बोकाइनेज एंड एक्ट्स एज एन एंटी कोगुलेंट। कंपोनेंट्स ऑफ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट आंसर विल बी ए कॉन्ड्रोसाइट्स। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूड सब्सटेंस ग्राउंड सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन ऑफन इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क। फॉर इपिथेलियम इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर्स माइक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स। कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स अलॉन्ग विद अ सेमी फ्लूड ग्राउंड सब्सटेंस कॉल द मैट्रिक्स इज फाउंड ऑल कनेक्टिव टिश्यू। कॉन्ड्रोसाइट्स और कार्टिलेज सेल्स कंप्राइज द इंटर सेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज विच इज सॉलिड एंड प्लेएबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। दीज सेल्स आर इनक्लोज इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स क्रिएटेड बाई देम। फिल इन द ब्लैंक्स ये यहाँ पे कर रहा है तो यहाँ पे हम फिल का रीड कर लेंगे। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। बी बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर आई लिड्स सेपरेट एंड आई लैसेज आर फॉर्म्ड। सी यहाँ पे है आफ्टर फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। ओके इस तरह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। द ह्यूमन फिटस डेवलप्स इट्स हार्ट आफ्टर द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ लिम्स एंड डिजिट्स एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ। ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ द ग्रोथ ऑफ हेयर इज सीन विद द इनिशियल मोमेंट ऑफ द फिटस एंड बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर द होल बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स द आई लिड्स गेट सेपरेटेड एंड द आई लैशेज आर फॉर्म्ड। इंटरनल ब्लीडिंग मस्कुलर पेन ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज एंड एनीमिया आर सम ऑफ द सिम्टम्स कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन बाई आंसर विल बी सी एस्केरिस। एस्केरिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉज्ड बाई राउंड वर्म स्पीसीज। पीपुल कॉन्ट्रैक्ट दिस डिजीज थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। दिस इन्फेक्शन यूजुअली कॉजेज नो सिम्टम्स हाउएवर इन केस ऑफ सिवियर इन्फेस्टेशन लंग्स एंड इंटेस्टाइन मे बी अफेक्टेड। The roundworms in lungs cause persistent cough, breathing issues, etc. And when intestine are affected, the person experiences intestinal blockage, anemia, etc. Wherein causes fever, inguinal pain, and genital swelling. Trichophyton causes typical infections like jock's itch or athlete's foot. Question number 45. The members of which of the following phyla are exclusively marine? Answer will be B. Echinoderma. Echinoderms are invertebrates with spiny skin, water vascular system, and a simple nervous system. This phylum is majorly a marine group and found in all oceans. They are not found in fresh water or terrestrial surfaces. There are around 7,000 species of this group, which found exclusively in marine environments. The other three phyla habitat various ecologies such as freshwater, terrestrial environments, and marine waters. Choose the incorrect pair from the following with reference to human ear. Answer यहाँ पे ये होगा. Malleus, incus, and stapes provide the bony फ्रेमवर्क ऑफ द ईयर। तो ये हमारा जो है वो गलत है, ब्रोनी फ्रेमवर्क प्रोवाइड नहीं करता है। बाकी बी सी डी हमारा बिल्कुल सही है। पिन्ना
collects the vibration in the air which produces sound. Stachian tube helps in equalizing the pressure on either sides of the eardrum, or macula and crista responsible for the maintenance of the balance of the body and posture. The middle ear contains three ossicles called malleus, incus, and stapes, which are attached to one another in a chain-like fashion. The malleus is attached to the tympanic membrane and the stapes is attached to the oval window of the cochlea. The ear ossicles increase the efficiency of transmission of sound waves to the inner ear. Select the answer which correctly matches the endocrine gland with the hormones it secretes and its function deficiency symptoms. Answer will be A. इंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है और हार्मोन सिक्रेट करता है थायरोक्सिन, और फंक्शन इसका है डिफिशियंसी सिम्टम यहाँ पे इसका है लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट्स इन ग्वाइटर. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी सारे जो है वो इनकरेक्ट मैचेज हैं. ये भी हमारा क्वेश्चन जो है रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में. द थायराइड ग्लैंड सिक्रेट्स टू हार्मोन इनटू द ब्लड नेमली थायरोक्सिन एंड Triiodothyronine T3. The corpus luteum secretes progesterone, which helps in maintaining pregnancy. The anterior pituitary secretes six major hormones, which are prolactin, growth hormone, adrenocorticotropic hormone, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, and thyroid stimulating hormone, each hormone having different roles. The posterior pituitary secretes oxytocin and vasopressin, where the former stimulates uterine contractions, whereas the latter helps in osmotic regulation. Which of these is a part of the appendicular skeleton? Answer will be C. Clavicle. The appendicular skeleton is composed of the bones of the pectoral girdle, arms, forearms, hand, upper limbs, lower limbs, and the pelvic. The pectoral girdle bones consist of the clavicle and scapula to provide attachment for muscles that move shoulders and upper limbs. The clavicle are slender S-shaped bones and are classified as long bones. The other three are part of the axial skeleton. If for some reason our goblet cells become non-functional, it will adversely affect. Answer will be D. Smooth movement of food down the intestine. Goblet cells found in the intestinal mucosal epithelium secrete mucus. The mucus lubricates the food for an easy passage. So if for some reason goblet cells become non-functional, it will adversely affect the smooth movement of food down the intestine. Okay. Question number 50. Choose the wrong statement regarding the Hardy-Weinberg principle. Okay. ये हमारा क्वेश्चन रिपीटेड है, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट डी होगा. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम. बाकी ए बी सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल. द सम टोटल ऑफ द एलेलिक फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन इज वन. वेरिएशंस ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट्स इन अ चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स एंड एलील्स इन फ्यूचर जनरेशंस. और नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल चेंज और डिसरप्शन. The Hardy-Weinberg equilibrium is a principle which states that the genetic variations, frequencies of alleles, gene versions, genotypes in a population from one generation to another generation will always remain constant if there are no evolutionary disturbing factors. Any variations will result in changed frequency of genes and alleles in the coming generations. Autonomously replicating circular extrachromosomal DNA of a prokaryotic cell is called. Answer will be B. Plasmid. Plasmids are defined as small circular molecules of DNA which are capable of replicating independently and do not rely on chromosomal DNA of the organism. Due to this feature, they are also referred to as extrachromosomal DNA. They are found in bacteria, archaebacteria, and various eukaryotes. The recombinant DNA is regenerated by combining DNA with two or more sources. Satellite DNA is DNA sequence which with small segments repeated many times. Bhasa recta are absent or highly reduced in. Answer will be B.
कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ द यूरिन, द ग्लोमेरुली, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले आर लिमिटेड टू द कॉर्टेक्स इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, वेयर एज इन द जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स दे एक्सटेंड इन टू द मेडुलरी पोर्शन ऑफ द किडनी, द वासा रेक्टा इज हाईली रिड्यूस्ड और एबसेंट इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बिकॉज दे हैव रिड्यूस्ड लूप ऑफ हेनले। फॉस्फोलिपिड्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स बिकॉज दे, आंसर विल बी सी, फॉर्म अ लेयर स्ट्रक्चर दैट कैन इंटरफेयर विथ वाटर ऑन टू सरफेस। द फॉस्फोलिपिड आर लिपिड्स विथ फॉस्फेट इन देयर स्ट्रक्चर, इट एक्ट्स एज अ बैरियर एंड अलाउ ओनली सेलेक्टिव पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इज दैट दे एक्ट एज हाइड्रोफिलिक हेड एंड ऑल्सो एज हाइड्रोफोबिक टेल मॉलिक्यूल्स एंड देयर फोर आर नोन एज एम्फीपैथिक एज इट फॉर्म्स बाई लेयर इन वाटर। टोबैको प्लांट्स रेजिस्टेंट टू निमाटोड हैव बीन डेवलप्ड बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट सेल, आंसर विल बी ए, बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। द एग्रोबैक्टीरियम एक्टेड एज अ वेक्टर टू इंट्रोड्यूस द निमाटोड स्पेसिफिक जीन्स इन टू द टोबैको प्लांट। द डीएनए इन इट प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए व्हिच फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड वेयर कंप्लीमेंट्री टू इच अदर। द आर एन ए प्रोड्यूस्ड काउज द साइलेंसिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ एम आर एन ए एंड देयर फॉर प्रूव टू बी लिथल फॉर द सर्वाइवल एंड इन्फेस्टेशन ऑफ द सर्वाइवल। गिवेन बिलो इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, एंसर विल बी ए, पामेटिक एसिड, इट इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। द फिगर गिवेन बिलो शोज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस, इन विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवेन बिलो द पार्ट ए बी सी और डी इज करेक्टली आइडेंटिफाइड अलॉन्ग विद इट्स फंक्शन। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जो है पहले भी आ चुका है मॉक टेस्ट में और नीट में भी आ चुका है, यहाँ पर आंसर होगा सी, ये यहाँ पे है जो है एल्वियोलर कैविटी है, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। इन द गिवन फिगर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज अकर्स इन एल्वियोलर कैविटी। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री मेजर लेयर्स, नेमली द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, द एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम। हाउ एवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, देयर फॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ओ टू फ्रॉम द एल्वियोलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ सीओ टू फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोलाई। व्हाट वुड बी द कार्डियक आउटपुट ऑफ अ पर्सन हैविंग 72 हार्ट बीट्स पर मिनट एंड अ स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ 50 ml, आंसर विल बी बी 3600 ml पर मिनट। कार्डियक आउटपुट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाई द हार्ट इन 1 मिनट, सो द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाई द हार्ट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स इन 1 मिनट इज द हार्ट रेट। देयर फॉर अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ द कार्डिक आउटपुट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, सो 15 × 72 इक्वल टू 3600 ml पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 58, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बी, प्राइमरी ओसाइट कंप्लीट्स मियोसिस वन व्हेन स्पर्म इंटर्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी ओसाइट, ये तो हमारे यहाँ गलत है बी, बाकी ए सी और डी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट्स एंड वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस रिक्वायर डिफरेंट टेम्परेचर और स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऑफ टेस्टिस। द प्राइमरी ओसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन इन द टर्सरी फॉलिकल एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट। द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन इन द सेकेंडरी ओसाइट टेक्स प्लेस व्हेन द स्पर्म इंटर्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन विच इज अनइक्वल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंड पोलर बॉडी एंड एन ओटिड दैट इज हैप्लॉइड ओवम।
यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हो तो फिल का रीड कर लेंगे, आंसर होगा यहाँ पे डी, द एंटीबॉडीज दैट कैन बाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एंटीजेंस इज IgM, क्योंकि उसमें क्योंकि ये पेंटामर होते हैं, व्हाइल द एंटीबॉडी दैट इज स्मॉलेस्ट साइज इज एंड आंसर विल बी जी, IgG जो है स्मॉलेस्ट साइज होते हैं, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स हो गए हैं सारे। एंटीबॉडीज आर वाई शेप प्रोटीन दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, दे सर्कुलेट इन द ब्लड एंड आइडेंटिफाई फॉरेन इन्वेडर्स सच एज बैक्टीरिया वायरसेस फंजाई और पैरासाइट्स एंड देन एलिमिनेट देम, देर आर फाइव वेरिएशन ऑफ द एंटीबॉडीज कॉल्ड IgM, IgA, IgD एंड IgE, ईच ऑफ दीज वेरिएशन प्लेज डिफरेंट रोल्स इन द इम्यून सिस्टम बेसिस ऑफ दियर शेप। IgM इज द फर्स्ट एंटीबॉडी दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द बॉडी इज एक्सपोज टू एन एंटीजेन, इफ दे बाइंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेडर्स IgG इज द मोस्ट कॉमन एंड स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी। एन इंक्रीज इन ब्लीडिंग टाइम एंड डिले इन ब्लड कोगुलेशन कैन पॉसिबली बी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन, आंसर विल बी डी पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन और पैराथायरॉइड हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय द पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड देयर मेन फंक्शन इज टू रेगुलेट सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन बाय इंक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड। द फेनोमेनन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी वाज, आंसर विल बी अराइवल ऑफ फिटेस्ट, आंसर यहाँ पे बी होगा, अराइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो नॉट अ पार्ट ऑफ डार्विन थ्योरी थे, बाकी ए सी और डी जो है वो सारे पार्ट ऑफ डार्विन थ्योरी थे, यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ब्रांचिंग डिसेंट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। डार्विन्स थ्योरी ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, द वेरिएशंस इन द ऑर्गेनिजम्स एंड द इंडिविजुअल्स हु आर बेटर अडेप्टेड टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सर्वाइव इन कंपेरिजन टू होज हु फेल टू गेट अडेप्टेड टू द इन्वायरमेंट। चार्ल्स डार्विन फेल्ड टू एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ द वेरिएशन एंड मैकेनिज्म ऑफ स्पीसिएशन, दस लिमिटेड दिस हिज थियोरी। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिलीवर अ डिजायरेबल जीन इन टू अ एनिमल सेल, आंसर विल बी ए डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, ए भी जो हमारा क्वेश्चन पहले रिपीट कर चुका है, रेट्रोवायरस इज इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स, रेट्रोवायरसेस हैव बीन डिसआर्म्ड एंड आर यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल्स, सो वंस अ जीन और अ डीएनए फ्रैगमेंट हैज बीन लगेटेड इनटू अ सूटेबल वेक्टर इट इज ट्रांसफर्ड इनटू अ बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल होस्ट वेयर इट मल्टीप्लाइज। द टैपेटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशमेंट ऑफ, आंसर विल बी डी पॉलेंस। इन ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रो स्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, इट इज जनरली सराउंडेड बाई फोर वॉल लेयर्स, द एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर्स एंड द टैपेटम, द आउटर थ्री लेयर थ्री वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहेशन्स ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन, द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टैपेटम, इट नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कलर ब्लाइंडनेस, यहाँ पे जो है नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे सी जो है वो इनकरेक्ट है यानी नॉट करेक्ट है, मेल कैन बी कैरियर्स ऑफ द ट्रेट, ये हमारा गलत है, बाकी ए बी और डी जो है बिल्कुल सही है, इट इज मोर कॉमन इन मेल्स देन इन द फीमेल्स, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन द फीमेल्स, और कलर ब्लाइंड वोमेन ऑलवेज हैव अ कलर ब्लाइंड फादर एंड ऑलवेज प्रोड्यूस अ कलर ब्लाइंड सन। मैच द फॉलोइंग कॉलम, बाइनरी फ्यूजन, जूस्पोर, कोनिडियम, बडिंग, गैम्यूज, तो एक क्वेश्चन हमारा पहले भी रिपीट कर चुका है, यहाँ बाइनरी फ्यूजन का होगा टू यानी अमीबा में होते हैं, जूस्पोर्स का वन यानी एल्गी में, कोनिडियम का फोर यानी स्पॉन्जेज में, सॉरी पेनिसिलियम में, बर्डिंग होगा थ्री यानी कि हाइड्रा में, और गेम्यूज होंगे स्पॉन्ज में यानी फाइव, आंसर होगा बी। ओके रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 104 मेल गैमेट्स इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक
प्लांट, आंसर विल बी D13। गैमिट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ मियोटिक सेल डिवीजन प्रोसेस। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम डिवाइड्स माइटोटिकली टू प्रोड्यूस फोर पोलन ग्रेन्स। ईच पोलन ग्रेन कंटेन्स टू सेल्स, जेनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। द जेनरेटिव सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू मेल गैमिट्स, दस ईच म्यूटी डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस 8 मेल गैमिट्स फॉर प्रोड्यूसिंग 104 मेल गैमिट्स। 13 म्यूटी डिवीजन्स आर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 67। इन माइस वाई इज द डोमिनेंट एलील फॉर येलो येलो फर एंड वाई इज द रिसेसिव एलील फॉर ग्रे फर। इफ वाई इन द होमोजाइगस फॉर्म लीड्स टू द डेथ ऑफ माइस, द रिजल्ट ऑफ द क्रॉस कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई विल बी, आंसर विल बी 2 येलो इज टू 1 ग्रे। In which of the following statements are false regarding Hershey and Chase experiment proving DNA is genetic material? First यहाँ पे कह रहा है दे मेड यूज ऑफ रैट्स, तो यहाँ पे ये जो है हर्षी एंड चेज, तो ये हमारा गलत है, उन्होंने रैट को यूज नहीं किया था। सेकेंड यहाँ पे कह रहा है रेडियोएक्टिविटी वॉज सीन इन द सुपर सुपरनेटेंट फॉर द मीडियम दैट वॉज इन्फेक्टेड बाई फेज रेडियो लेवल्ड विथ P32, तो ये भी हमारा गलत है। तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पर जो है वो फॉल्स रिगार्डिंग हर्शियन चेज है, बाकी थर्ड और फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही है। यूज्ड रेडियो आइसोटोप टू लेबल सल्फर विथ S35 इन सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स और रेडियो एक्टिव फेजेज वेर अलोड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। ओके, मार्था चेज एंड अल्फ्रेड डी हर्सी conducted an experiment that proved DNA is the genetic material that is inherited. In their experiment, they used radioactive isotope of sulfur S35, okay, and phosphorus P32 containing bacteriophage T2 double stranded DNA to infect a bacterium E. coli and found that the phosphorus contained DNA of the viral particle, not the sulfur containing protein of the वायरल कोट, इंटर्स द होस्ट सेल एंड सर्व्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर वायरल रेप्लिकेशन। टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट द बैक्टेरियोफाज एंड बैक्टेरिया वाज ब्लेंड एंड कंस्टिट्यूएंट्स आर वेयर सेपरेटेड बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इन मूंग बीन रेजिस्टेंस टू एल्डो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी माइल्डी वेयर इंड्यूस्ड बाय, आंसर विल बी सी म्यूटेशन ब्रीडिंग। जेनेटिक वेरिएशन दैट अकर बाय चेंजिंग द बेस सीक्वेंस इज टर्म्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्यू कैरेक्टर और ट्रेट नॉट ऑब्जर्व्ड इन द पैरेंटल ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय यूजिंग केमिकल्स और रेडिएशन एंड देन यूजिंग द म्यूटेटेड प्लांट विद डिजायर्ड कैरेक्टर इन ब्रीडिंग टू डेवलप बेटर वेराइटी। सच टाइप ऑफ ब्रीडिंग इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग। इन मूंग बीन रेजिस्टेंस टू येल्लो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू वेयर इंड्यूस्ड बाई म्यूटेशंस। मैच कॉलम वन विथ कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवेन बिलो। ओके, यहाँ पे फर्स्ट है सिंगल ट्रेट कंट्रोल्ड बाई थ्री और मोर देन थ्री एलील्स, इसका होगा सेकेंड यानी मल्टीपल एलील्स। सेकेंड का होगा यहाँ पे सिंगल ट्रेट कंट्रोल बाई थ्री और मोर देन थ्री जीन्स का होगा थर्ड यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और थर्ड यहाँ पे अ सिंगल जीन एग्जिबिट्स मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन का होगा फर्स्ट यानी प्लियोट्रोपी। ये भी कोई क्वेश्चन हमारा रिपीट कर चुका है पहले भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर विल बी सी लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन ओनली थ्रू द स्पेशलाइज बैक्टीरिया दैट लिव इन दियर रूट्स। बायोस्फेयर इज, आंसर विल बी ए कंपोज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इंटरैक्ट विद द फिजिकल इन्वायरमेंट। रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। रिफर द गिवन फिगर शोइंग पिरामिड ऑफ नंबर इन अ सर्टेन हैबिटेट, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, आंसर यहाँ पे सी होगा, ए यहाँ पे ट्री होगा, बी बर्ड्स एंड सी हॉक।
ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ इज फाउंड इन, आंसर विल बी सी, ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन द साउथ अमेरिका. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्ली मैच्ड, आंसर विल बी डी, मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ये हमारा गलत है. बाकी ए बी और सी जो है बिल्कुल सही हैं. पार्टिकुलेट मैटर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर, और कैटालिटिक कन्वर्टर्स प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम. विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर एट सरफेस ऑफ अर्थ वुड हैव अ चिली -18 डिग्री सेल्सियस रैदर देन द प्रेजेंट एवरेज ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस. इन अ फ्लावरिंग प्लांट 2n = 24, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन इट्स एंडोस्पर्म विल बी, आंसर विल बी 36. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज, आंसर विल बी ए, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. ओके, द ऑटोसोमल डिसऑर्डर इज व्हेन द अफेक्टेड जीन इज लोकेटेड ऑन द ऑटोसोम क्रोमोजोम अदर देन सेक्स क्रोमोजोम. इफ द डिसऑर्डर इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, इट इज टर्म्ड रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर. सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. माइटोनिक डिस्ट्रॉफी इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. सिस्ट्रॉन कैन बी डिफाइंड एज, आंसर विल बी ए, द पोर्शन ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड. अ पेशेंट ब्रॉट टू अ हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज नॉर्मली इमेडिएटली गिवेन, आंसर विल बी ए, स्ट्रेप्टोकाइनेज. इन अ ग्राफ ऑफ पॉपुलेशन विथ टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉपुलेशन ऑन वाई एक्सिस इज प्लॉटेड अ पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस शोज, आंसर विल बी ए, नेटिलिटी इक्वल टू मोर्टिलिटी. और ये जो क्वेश्चन है पहले भी रिपीट कर चुका है. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज, आंसर विल बी सी, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई कंज्यूमर्स. ओके, इन द इक्वेशन ऑफ द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप द लेटर सी एंड जेड रिप्रेजेंट्स, आंसर विल बी सी, सी यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट, जेड इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन रिग्रेशन कोफिशियंट. और ये भी जो क्वेश्चन है पहले भी रिपीट कर चुका है. बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू, आंसर विल बी सी, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन टू हायर ट्रॉपिक लेवल थ्रू सक्सेसिव फूड चेन्स. ये भी क्वेश्चन पहले रिपीट कर चुका है. एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन सिट्रस एराइजेज फ्रॉम, आंसर विल बी न्यूसेलर सेल्स. अ कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड इज बाय, आंसर सी, द क्रॉसिंग ऑफ एफ1 प्रोजेनी विथ रिसेसिव मेल पेरेंट यानी टेस्ट क्रॉस. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन यूकेरियोट्स, आंसर डी, इंटेलिंग, एडिनाइलेटेड रेसिड्यूज आर एडेड टू अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर. द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ द एक्सॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स एंड आर नॉन फंक्शनल, हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लिसिंग वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंड इन अ डिफाइंड ऑर्डर. एच एन आर एन ए अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड एच कैपिंग एंड टेलिंग. इन कैपिंग एंड अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइस फॉस्फेट इज एडेड टू 5' एंड ऑफ एच एन आर एन ए. इन टेलिंग एडिनाइलेट रेसिड्यूज 200 to 300 आर एडेड एट 3' एंड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर. इट इज द फुल्ली प्रोसेस्ड एच एन आर एन ए नाउ कॉल्ड एम आर एन ए दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन. सेलेक्ट द करेक्ट लेबल्स. ओके, तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट कर चुका है और नीट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है. तो यहाँ पे जो करेक्ट लेबल यहाँ पे होगा, एस यहाँ पे होगा लेटर फॉल, और प्रोड्यूसर्स यहाँ पे लेटर फॉल होंगे, टी यहाँ पे डिकम्पोजिशन होंगे, डिट्राइटस जो है डिकम्पोजिशन होकर तो सॉल्व सोल्यूशन में मिक्स हो जाएंगे, यू यहाँ पे अपटेक हो रहे हैं, भी रन ऑफ, और एक्स यहाँ पे रॉक मिनरल्स का यहाँ विदरिंग हो रहा है. ओके, यहाँ पे इस फिगर में भी दिखाया गया है. ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा डी, इन इंडिया 10,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो आर फाउंड
बाकी ए बी सी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। रॉल्फिया वोमिटेरिया इज अ मेडिसिनल प्लांट, रॉल्फिया वोमिटोरिया इज ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेज, और इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेंस ऑफ राइस। अ पर्टिकुलर स्पीसीज डिस्प्लेइंग वेरिएशंस एट द जेनेटिक लेवल एट डिफरेंट रीजन्स आर डिस्ट्रीब्यूशन कम्स अंडर जेनेटिक डाइवर्सिटी। इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली वेराइटीज विच अप्रोक्सीमेटली 1,000, इंडिया हैज मैंगो वेराइटीज विच अप्रोक्सीमेटली 1,000 वेराइटीज एंड फॉर राइस अप्रोक्सीमेटली 50,000 वेराइटीज। रॉल्फिया वोमिटेरिया इज ए मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन हिमालयन रेंज ऑफ इंडिया। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विथ ए फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड, आंसर विल बी सी हाइलम। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा बाई मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड द हाइलम, दस हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। सॉरी, ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इनवेलप्स कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स इन सर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ट्राइजोम इज रिप्रेजेंटेड बाय, आंसर विल बी D2n+1। द क्रोमोजोमल डिसऑर्डर अकर व्हेन देयर इज एन एडिशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोजोम इन द इंडिविजुअल। ट्राइजोम इज रिप्रेजेंटेड एज 2n+1 एज इट हैज वन एक्स्ट्रा क्रोमोजोम देन द नॉर्मल डिप्लॉइड सेट ऑफ जस्ट 2n। ओके, तो ये सारे थे हमारे बायो क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही सारे वीडियो एनटीएम अभ्यास मॉक टेस्ट के आते रहेंगे। केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस इज प्लॉटेड अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी वी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। द रिजल्टिंग कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द वी एक्सिस, देन टैन थीटा विल बी इक्वल टू, हियर ई नॉट इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द सर्फेस, आंसर विल बी ए एच बाई ई। व्हाट इज नॉट अप्लीकेबल टू टी इज Cl4, आंसर विल बी बी, यहाँ पे इट इज टेट्राहेड्रल इन शेप जो है नॉट एप्लीकेबल है, बाकी ए सी डी जो है अप्लीकेबल है। द मॉलिक्यूल इज सिस ऑफ शेप्ड, इट हैज फोर बॉन्ड पेयर एंड वन लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और द हाइब्रिड स्टेट ऑफ टी ई इज sp3d। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म, आंसर विल बी बी जो यहाँ पे है वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बाकी ए सी और डी जो है बिल्कुल टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। 0.4 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग H2SO4 ओडियम इज डायल्यूटेड विथ वाटर, दिस सॉल्यूशन इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाई 26.7 ml ऑफ 0.4 NNaOH। द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन द सैंपल इज, आंसर विल बी C 20.6%। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर डेंसिटीज, पोटेशियम स्कैंडियम टाइटेनियम एंड कैल्शियम, आंसर विल बी ए सबसे ज्यादा टाइटेनियम देन स्कैंडियम देन कैल्शियम, सबसे कम यहाँ पे होगा डेंसिटी पोटेशियम का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन, आंसर विल बी बी साइक्लोप्रोपेन। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हीलियम गैस बिकम्स द सेम एज दैट ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल एट 327 डिग्री सेल्सियस व्हेन द टेम्परेचर इज, आंसर विल बी C 150 केल्विन। हाउ मेनी साइक्लिक अल्कोहल्स आर पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O, आंसर विल बी B4। विच ऑफ द ऑक्साइड्स इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आंसर DPbO2। अ कंपाउंड ए बी हैज अ रॉक टाइप स्ट्रक्चर विथ ए इज टू बी इक्वल टू 1:1, द फॉर्मूला वेट ऑफ ए बी इज 6.023 YmU एंड द क्लोजेस्ट ए बी डिस्टेंस इज y^(1/3 nm, द डेंसिटी ऑफ लैटिस इज, आंसर विल बी C 5.0 kg/m³। द फॉर्मूला ऑफ सल्फेमिक एसिड इज, आंसर विल बी CnH2SO2OH। A haloalkane can be reduced to an
alkate with the help of Hi in presence of red phosphorus. Red phosphorus is used to regenerate Hi. Answer will be C. What is the hybridization state and oxidation state of sulfur in carrage acid? Answer will be C, sp3 and plus 6. At 550 Kelvin, the Kc for the following reaction is 10 to power 4 mole per mole liter. X gas plus Y gas gives Z gas. At equilibrium, it was observed that X equal to 1 by 2 Y equal to 1 by 2 Z. What is the value of Z at equilibrium? Answer will be A, 2 into 10 to power minus 4. The ratio of orbit of first excited state of electron to the area of orbit of ground level for hydrogen atom will be, answer will be A, 16:1. Reagents used for the conversion of propanol into propane is, answer will be B, first yahan pe jo hoga TSCL pyrimidine or second pyridine or second LiLH4. Among the following ions, which one has the highest paramagnetism? Answer will be B, FeH2O hold 6 2 plus. In the given reaction, CH3C triple bond CH in presence of HOBr gives XX will be, answer will be C, CH3C double bond O CH2Br. Which of the following is a correct plot of the volume of fixed amount of ideal gas as a function of temperature at a constant pressure? Answer will be C. The EMF of the following three galvanic cells यहाँ पे given है, E1, E2 and E3. Which of the following is true? तो answer यहाँ पे D होगा. सबसे ज़्यादा यहाँ पे E2 होगा, then E1, then E3. The bond having the highest bond energy is, answer will be C, C double bond O. An acid type indicator HLN differs in color from its conjugate base LN minus. The human eye is sensitive to color differences only when the ratio ln minus by ln HLN is greater than 10 or smaller than 0.1. What should be the minimum change in the pH of the solution to observe a complete color change? K यहाँ पे 1.0 into 10 to power minus 5 है, answer यहाँ पे B होगा 2. Color in transition metal compounds attributed to, answer will be D, incomplete N minus 1 D subcell. The vapor pressure of pure liquid A is 72 or at 27 degrees Celsius. It forms an ideal solution with another liquid B. The mole fraction of B is 0.2 and vapor pressure, total vapor pressure of the solution is 84 torr at 27 degrees Celsius. The vapor pressure of pure liquid B at 27 degrees Celsius, the answer will be B, 140. Cannizzaro reaction is given by, answer C, CH3CHO. In the complex potassium penta cyano nitrosyl vanadate 0, the number of potassium atoms per molecule and the coordination number of central metal ion are respectively, answer will be C, 5 and 6. The total molarity and normality of all the ions present in a solution containing 0.1 m of CuSO4 and 0.1 m of Al2SO4 whole thrice is, answer will be B, 0.7 m and 1.6 n. Assign the IUPAC name for the following compound. Answer yahan pe was C, 2-hydroxypropane 1,2,3 tricarboxylic acid. When acetone and chloroform are mixed together, H bonding takes place between them. Such a liquid pair shows. Answer will be B, negative deviation from Raoult's law. In the given reaction, RC double bond O OH in presence of X gives RC double bond O OCH3. RX will be, answer will be B, both CH2N2 and CH3OH
H2SO4। लीनियर पॉलीइन्स ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ एसिटल डिहाइड एंड 1 मोल ऑफ प्रोपेन डाइनल। लीनियर पॉलीइन विल बी, आंसर विल बी ए अल्का डाइन। इन द गिवन रिएक्शन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर CH3 ट्रिपल बॉन्ड एन इन प्रेजेंस ऑफ H2 एंड हीट गिव्स ए एंड ए इन इट्स विथ रिएक्शन विथ H2O एंड H प्लस हीटिंग गिव्स बी। तो आंसर यहाँ पे होगा ए, ए यहाँ पे होगा CH3 डबल बॉन्ड ओ एन एच टू एंड बी यहाँ पे होगा CH3 डबल एच यानी एसिटिक एसिड। द मोमेंट ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, आंसर विल बी डी इलेक्ट्रोफोरेसिस। के ए फॉर एच सी एन इज 5×10⁻¹⁰ एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर मेंटेनिंग अ कॉन्स्टेंट पीएच ऑफ 9। द वॉल्यूम ऑफ 5 m के सी एन सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू 10 ml ऑफ 2 m एच सी एन सोल्यूशन इज, आंसर विल बी सी 2 ml। इन द रिएक्शन सिक्वेंस CH3 ट्रिपल बॉन्ड सी एच एन एच टू एच एक्स इन प्रेजेंस ऑफ एच सी ओ गिव्स एच सी एच ओ गिव्स वाई, वाई विल बी आंसर विल बी बी CH3 ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच टू ओ एच। व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज देन, आंसर विल बी डी सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड। हाइड्राइड ऑन सर्टेन नॉन मेटालिक एलिमेंट एक्स इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट ऑल्सो रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्राइड एज वेल विथ मेटेलिक सोडियम टू लिबरेट डाइहाइड्रोजन गैस। द एलिमेंट एक्स कैन बी, आंसर विल बी सी ऑक्सीजन। इन द रिएक्शन सीक्वेंस CH3CHO इन प्रेजेंस ऑफ NH2 OH एंड H प्लस गिव्स ए एंड ए इन प्रेजेंस ऑफ P2O5 एंड हीट गिव्स बी, बी विल बी आंसर विल बी सी CH3CN। एट 300 केल्विन, 300 केल्विन हाफ लाइफ ऑफ अ गैसेस रिएक्टेंट इनिशियली एट 58 kPa इज 320 मिनट। व्हेन द प्रेशर इज 29 kPa द हाफ लाइफ इज 160 mm। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, आंसर विल बी डी 0। इन एन इंडोथर्मिक रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड बिकम्स फिजिबल एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट देन, आंसर विल बी बी डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन बेंजोइड, आंसर विल बी डी। मैच द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज लिस्ट वन विद दियर रिलेशन विथ लिस्ट टू। तो आंसर यहाँ पे बी होगा पी का 2 यानी फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी जो है उसका 2 होगा यानी -NFE। क्यू का 4 एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस नॉट जो होगा वो 4 होगा यानी -dΔG/dT एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। आर का 3 यानी डेल्टा एच नॉट इनथैल्पी इन चेंज ऑफ रिएक्शन इन स्टैंडर्ड स्टेट का होगा 3 यानी RT² dLnK/dT एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और एस स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट जो होगा उसका 1 होगा यानी -RT log E के। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल फॉर्म इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, आंसर विल बी C2-3-pentanedione। विच ऑफ द कॉन्फॉर्मर्स ऑफ एन ब्यूटेन हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, आंसर सी फुली इक्लिप्स्ड। स्पीक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ATP, आंसर सी द एंजाइम कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस ATP टू ADP एंड AMP इज अकॉम्प्लिश्ड बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ओके तो ये सारे थे बायो और केमिस्ट्री के NTA अभ्यास मॉक टेस्ट सारे क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और जो नए व्यूवर्स है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि ऐसे ही सारे वीडियो NTA अभ्यास मॉक टेस्ट के आते रहेंगे। अब आते हैं फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है। एंड इलेक्ट्रॉन इज एट ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द हाइड्रोजन एटम इन टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज, आंसर विल बी बी 1.12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अ प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली इफ द रेडियस ऑफ द प्रोटोन ऑर्बिट
इज 110 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज आंसर विल बी 10√2 सेंटीमीटर। टू आइडेंटिकल मासेज आर एज शोन इन द डायग्राम, वन इज थ्रोन अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर इज जस्ट ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली। इफ द कोलिजन्स बिटवीन देम इज इलास्टिक, फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन दियर स्ट्राइकिंग विथ ग्राउंड। आंसर विल बी 2 सेकेंड। टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 10 kg एंड 4 kg आर कनेक्टेड बाई स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। एन इम्पल्सिव फोर्स गिव्स अ वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड टू द हेवियर ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइटर ब्लॉक। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एट दैट वेरी मोमेंट इज आंसर विल बी 3 10 मीटर पर सेकेंड। टू सीलिंग फैन इज स्विच ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूसेस टू 50% व्हाइल इट मेक्स 36 रोटेशंस। हाउ मेनी मोर रोटेशंस विल इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। एज्यूम यूनिफॉर्म एंगुलर रिटार्डेशन। आंसर यहाँ पे बी होगा 12 रोटेशंस। द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर इन अ वैक्यूम इज एफ। नाउ अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 4 इज इंसर्टेड बिटवीन दीज टू चार्जेज। इफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज आर बाई टू देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेज विल बी कम। आंसर विल बी 4/9F। द करेंट आई इन द गिवेन सर्किट इज आंसर विल बी 2 एम्पियर। इन द सर्किट शोन इन द आइडियल एमिटर ए रीड्स करेंट ऑफ I1 एम्पियर। नाउ द सोर्स ऑफ EMF एंड द एमिटर आर फिजिकली इंटरचेंज। दैट इज द सोर्स इज पुट बिटवीन बी एंड सी एंड द एमिटर बिटवीन ए एंड बी। द एमिटर नाउ रीड्स द करेंट ऑफ I2 एम्पियर देन। आंसर यहाँ पे होगा बी I1 इज इक्वल टू I2। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन पर कुलम्ब दैट इज रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट अ वाटर ड्रॉप कैरिंग अ चार्ज 16×10⁻¹⁹ कुलम्ब फ्रॉम फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इज जी इक्वल टू 9.88 मीटर पर सेकेंड। द मास ऑफ वाटर ड्रॉप इक्वल टू 0.0016 ग्राम। आंसर यहाँ पे डी होगा 9.8×10⁻¹³। अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए एंड अ सेकेंड प्लेट हैविंग अ स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर एज शोन इन द डायग्राम। द कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट इज आंसर विल बी सी 11/18 ε A/d। इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 एंड V2 आर 300 वोल्ट इच। द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V3 एंड एमीटर A आर रेस्पेक्टिवली। आंसर विल बी B 220 वोल्ट एंड 2.2 एम्पियर। One conducting U tube can slide inside another as shown in the figure, maintaining electrical contacts between the tubes. The magnetic field B is perpendicular to the plane of the figure. If each tube moves towards the other at a constant speed B, then the EMF induced in the circuit in terms of B, I, and V, where L is the width of each tube, will be. Answer will be B2BLV. A satellite of mass M initially at rest on the Earth is launched into a circular orbit at height equal to the radius of the Earth. The minimum energy required is answer will be D 3/4 mgr. Suppose the gravitational force varies inversely as the nth power of the distance, then the time period of a planet in a circular orbit of radius r around the sun will be proportional to answer will be a r to the power n plus 1 by 2. Three rods are made from the same material and having the same cross sectional area and length have been joined as shown in the figure. The left end and right end are kept 0 degrees Celsius and 100 degrees Celsius respectively. The temperature of the junction of three rods will be answer will be D 66.66 degrees Celsius.
The value of the current I1, I2 and I3 flowing through the current through the circuit given below is, answer will be B, I1 equal to 2 ampere, I2 equal to minus 3 ampere and I3 equal to minus 1 ampere. Pressure P, volume V and temperature T of a certain material are related by P equal to alpha T square by V, where alpha is constant. Work done by the material when temperature changes from T naught to 2 T naught and pressure remains constant is. Answer will be A, 3 alpha T naught square. The magnetic potential due to a magnetic dipole at a point of its axis distant 40 cm from its center is found to be 2.4 into 10 to power minus 5 joule ampere per meter. The magnetic moment of the dipole is, answer will be C, 38.4 ampere meter square. An ionized gas contains both positive and negative ions if it is subjected simultaneously to an electric field along the plus x direction and a magnetic field along the plus z direction. Then answer will be C, all ions deflect towards minus y direction. A particle moves along a straight line ox at a time t in seconds. The distance x centimeters of the particle from O is given by x equal to 40 plus 4, 12 t minus t cube. How long would the particle travel before coming to rest? Answer will be A, 16 meter. A piece of marble is projected from the earth's surface with a velocity of 15 meter per second. 2 seconds later, it just clears a wall 5 meter high. What is the angle of projection? Answer will be D, sine inverse 1 by 4. A 0.2 kg object at rest is subjected to a force 0.3 I cap minus 0.4 J cap Newton. The velocity vector after 6 seconds is, answer will be A, 9 I cap minus 12 J cap. A cricket ball of mass 0.25 kg with speed 10 meters per second hits a bat and returns with same speed with 0.01 second. The force acted on the bat is, answer will be D, 500 Newton. The binding energy per nucleon for the parent nucleus is E1 and that for the daughter nuclei is E2. Then answer will be C, E2 is greater than E1. The binding energy per nucleon for neutron H2 and 1 and helium He4 and 2 are 1.1 and 7.0 mega electron volt respectively. The energy released and when two neutrons fuse to form a helium nucleus is, answer will be A, 23.6 mega electron volt. A stretched string of length 1 meter fixed at both ends when vibrated in one loop has a frequency 200 Hz. It is now plugged at a point situated at 25 cm from one end. The stretched string would vibrate with a frequency of, answer will be C, 400 Hz. A particle executing SHM has a maximum speed of 0.5 meter per second and a maximum acceleration of 1 meter per second square. The angular frequency of oscillation is, answer will be A, 2 radian per second. If the work function for a certain metal is 3.2 to 10 to power minus 19 joule and it is illuminated with light of frequency nu equal to 8 into 10 to power 14 Hz, the maximum kinetic energy of the photoelectron would be, answer will be A, 2.1 into 10 to power minus 19 joule. For a certain metal nu equal to 2 nu naught and the electrons come out with a maximum velocity of 4 into 10 to power 6 meter per second. If the value of nu equal to 5 nu naught, then maximum velocity of photoelectrons will be, nu naught is the threshold frequency, answer yahan B hoga, 8 into 10 to power 6 meter per second. A small ball of density rho is immersed in a liquid of density sigma which is greater than rho.
to a depth h and released. The height above the surface of water up to which the ball will jump is, answer will be A, sigma by rho minus 1 into h. A body of density d1 is counterpoised by mg of weights of density d2 in the air of density d. Then the true mass of the body is, answer will be d, m into 1 minus d by d2 by 1 minus d by d1. Question number 32. Refractive index of glass with respect to the medium is 4 by 3 if the difference between velocities of light in medium and glass is 6.25 into 10 to the power 7 meter per second, then the velocity of light in medium is, answer will be A, 2.5 into 10 to the power 8 meter per second. The refractive index of a material of a plano concave lens is 5 by 3. The radius of curvature is 0.3 meter. The focal length of the lens in air is, answer will be A, minus 0.45 meter. Two uniform thin rod each of mass m and length l are placed along x and y axis with one end of each of the origin. Moment of inertia of the system about z axis is, answer will be B, 2 by 3 ml square. A solid cylinder of mass 2 kg and radius 0.2 meter is rotating about its own axis without friction with the angular velocity of 3 radian per second. Angular momentum of the cylinder is, answer will be C, 0.12 joule second. The given electrical network is equivalent to, answer will be B, NOR gate. In a reverse bias diode, when the applied voltage changes by 1 volt, the current is found to be changed by 0.5 microampere. The reverse bias resistance of the diode is, answer will be B, 2 into 10 to the power 6 ohm. A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T, neglecting all vibrational moles. The total internal energy of the system is, answer will be D, 11 RT. Question number 39. If the speed of light c, acceleration due to gravity g, and pressure p are taken at the fundamental quantities, then the dimension of gravitational constant is, answer will be b, c to the power 0, g, 2, and p minus 1. Light of wavelength 600 nanometer is incident normally on a slit of width 0.2 millimeter. The angular width of central maxima is, the diffraction pattern is measured from minimum to minimum. Answer will be A, 6 into 10 to the power minus 3 radian. Two coherent beams of wavelength 5000 angstrom reaching a point would individually produce intensities 1.44 and 4.00 units. If they reach there together, the intensity is 10.24 units. Calculate the lowest phase difference with which the beams reach that point. Answer will be A, 0. In a resonance tube using a tuning fork of frequency 325 Hz, two successive resonance lengths are observed as 25.4 cm and 77.4 cm respectively. The velocity of sound in air is, answer will be A, 338 meter per second. Question number 43. A sinusoidal wave with amplitude y is traveling with speed v on a string with linear density rho. The angular frequency of wave is omega. The following conclusions are drawn. Mark the one which is correct. In particular option, if we are changing one quantity, assuming others are kept constant. Answer will be D. The rate at which energy is carried is directly proportional to the velocity of the wave. Displacement x in meters of a body of mass 1 kg as a function of time t on horizontal smooth surface is given as x equal to 2 t square. Then work done in the first 1 second by the external force is, answer will be C, 8 joule.
लास्ट क्वेश्चन है यहाँ फिजिक्स का और हमारा वीडियो का भी। स्प्रिंग विच इज इनिशियली इन इट्स नेचुरल लेंथ फर्स्ट स्ट्रेच्ड बाई लेंथ एक्स एंड देन अगेन बाई फर्दर लेंथ एक्स। द वर्क डन इन द फर्स्ट केस इज डब्ल्यू एंड इन द सेकेंड केस इज डब्ल्यू वन। देन आंसर विल बी बी डब्ल्यू वन इज इक्वल टू 3W। ओके ये सारे थे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, जो नए व्यूअर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। और जिन्हें भी एनटीए बेस मॉक टेस्ट का सारे पीडीएफ चाहिए वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।